विजय मैम आपके लिए हिंदी विषय से एक विषय लेके आए हैं और आज ये जो वीडियो है स्पेशली ये तीसरी से लेके पांचवी कक्षा के छात्रों के लिए है और इसमें आज हम करेंगे भाषा। सो तीसरी से पांचवी के बच्चों के हिसाब से मैं ये आज विषय लेके आई हूँ भाषा। तो सर्वप्रथम हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाषा क्या होती है, क्योंकि जब से हमारा जन्म हुआ है हम भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों को मम्मी पापा को या दोस्तों को बताते हैं और उनके विचारों को हम जानते हैं जब से हमारा जन्म हुआ है। लेकिन जब हम विद्यालय जाते हैं तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे प्रथम है भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा बोलकर सुनकर लिखकर एवं संकेत द्वारा भावों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है। ठीक है, इसको हम भाषा कहते हैं, यहाँ तक भी ठीक है। तो बोलने के माध्यम से, सुनने के माध्यम से, या मैं जब आपको पढ़ा रही हूँ मैं संकेत कर रही हूँ ना, मैं हाथ का फायदा उठा रही हूँ, हाथ यूज कर रही हूँ, फेस यूज कर रही हूँ, संकेत है। संकेतों के द्वारा जैसे हम कहते हैं आपको समझ में आया हम कल क्या करेंगे, संकेत। तो ये इस प्रकार जो हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं, चाहे बोल के करेंगे, सुन के करेंगे, लिख के करेंगे या संकेत के द्वारा करेंगे, ये हमारी भाषा कहलाती है। भाषा के रूप, ये देखिए भाषा के रूप, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। रूप भी चलेगा, सांकेतिक रूप। अब देखिए लिखित भाषा क्या होती है, भावों को लिख कर व्यक्त करना, भावों को लिख कर व्यक्त करना होगा लिखित भाषा। इसमें हम थोड़ा उदाहरण देखते हैं, ईमेल कंप्यूटर के थ्रू जो हम ईमेल करते हैं उसको, पत्र लेटर्स आजकल इसका चलन कम है पत्र का, तार टेलीग्राम पहले जमाने में इसका यूज होता था, आजकल तो हम फोन पर सब कुछ बातें करते हैं, व्हाट्सएप जो है ये आजकल बिल्कुल रफ्तार से चल रहा है। व्हाट्सएप के बगैर आपकी दुनिया अधूरी है और हमारी दुनिया भी अधूरी है। व्हाट्सएप पर ये अच्छा नहीं है, ये खुशी का विषय नहीं है। व्हाट्सएप ये जो व्हाट्सएप है इसने पूरी दुनिया को घेर रखा है। सो व्हाट्सएप ये जो हमारे उदाहरण है ये है आपका लिखित भाषा के रूप। अब देखिए मौखिक भाषा, बोलकर भावों को व्यक्त करना। हम भगवान के भजन गाते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं, ऐसा हमें लगता है कि हम भगवान के भजन गा रहे हैं भगवान खुश होंगे। भगवान भजन से खुश नहीं होते, भगवान खुश होते हैं अच्छे कार्य से। ठीक है, अच्छे कार्य करो, आप विद्यार्थी हो तो पढ़ो, भगवान खुश होंगे। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में काम करते हैं, आप अध्यापक हैं, आप डॉक्टर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप इंजीनियर हैं, आप अपना कार्य अच्छा करो तो भगवान खुश होंगे। लेकिन भजन के माध्यम, भजन हमारा मौखिक रूप है, भाषण के बगैर तो राजनीति चल ही नहीं सकती है ना। मोदी जी इतना अच्छा भाषण बोलते हैं तो आधी से ज्यादा जनता तो मोदी जी के भाषण की कार्य है ना। हमें तो मोदी जी क्या कार्य करते इतना नहीं पता चलता, लेकिन वो इतना अच्छा भाषण देते हैं, कितना अच्छा हाथों को यूज करके बोलते हैं, कितना अच्छा उनका बोलना है। तो भाषण जिसका अच्छा नहीं है वो राजनीति के क्षेत्र में कदम ना रखे। तो भाषण हमारा क्या तरीका है, भाषा का मौखिक रूप, और जिसका भाषण अच्छा है वो ही राजनीति में बिल्कुल टॉप पे बैठा हुआ है। हमारी एक स्मृति ईरानी जी हैं, वो पहले मूवीज में आया करती थी, सास भी कभी बहू थी सीरियल में आया करती थी, तो उन्होंने वहां से एंट्री की और आज वो एक अच्छी नेत्री हैं, नेता नेत्री वो एक अच्छी नेत्री है क्योंकि उनका भाषण भी बहुत अच्छा होता है। तो भाषण क्या मौखिक रूप हुआ ना, जिसमें हम बोलते हैं, गीत हम गाना गाते हैं और गीत के बगैर तो फिल्म्स इंडिया में डाउट हो रहा है इंडिया में भारत में जिस पिक्चर में जिस मूवी में गाना नहीं होगा ना उसमें दर्शक जाएंगे नहीं, और पूरी मूवी में कोई कहानी नहीं है ना बेटा तो भी नहीं जाएंगे, पूरी मूवी में कोई कहानी नहीं है और एक कटरीना का कैफ का गाना उसमें आ जाएगा या करीना कपूर का डांस आ जाएगा पूरी दुनिया थिएटर फोड़े। तो अभी गीत क्या है, गीत है जो गाना गा रहे हैं, ठीक है गाना गा रहे हैं, अभी गाना किसमें गाया है, करीना कपूर तो डांस कर रही है, हम उस गीत वो गीत हमें वहां खींच लेके जाता है कि वो कितना अच्छा गाना है, वो कितना अच्छा सॉन्ग है। तो ये भी हमारा क्या है, ये हमारा मौखिक रूप है। जो पेरेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, जो टीचर्स देख रहे हैं, हमें इस प्रकार ही बच्चों को पढ़ाना है कि हमें हंसी आए, हमें मजा आए, हम उनको उनके आसपास के उदाहरण दें, उनके
कव्वाली, कव्वाली के जरिए भी हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं। चुटकुले, और चुटकुले तो बच्चे आपस में सुनाते रहते हैं। तो ये जो हमारे माध्यम है ये है मौखिक भाषा के उदाहरण। अब देखिए सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा का वो रूप है जिसमें हम इशारे करते हैं। अब मैं कितने आपको संकेत करके बता रही हूँ, कितने हाथ को यूज कर रही हूँ, कभी हाथ चलना हो रहा है, कभी फेस का हो रहा है, कभी जब हम गिरते हैं, तो ये सांकेतिक रूप होता है। ठीक है, आप किसी को ऐसे एक्ट कर दो, ये क्या संकेत है, और इसका मतलब क्या, चुप हो जाओ। ठीक है, और अभी हम किसी को वार्निंग देते हैं, क्या क्या हो रहा है, ये क्या है, ये आप इसको डरा रहे हो, ये भी संकेत है, इसको डराने का संकेत है। अब एक गुस्से वाली मैडम है, बच्चों को बोलती ऐसे गुस्से वाला मुंह बनाएगी और हाथ करके बीच, ये भी संकेत है। तो फेस संकेत फेस के माध्यम से भी है। ठीक है, आपने फेस गुस्से वाला बनाया, आपने फेस का संकेत दिया कि आप गुस्से में हो। ठीक है, तो संकेतिक भाषा का वो रूप है जिसमें हम इशारों के माध्यम से या डराते हैं या हंसाते हैं या फिर रुलाते भी हैं, है ना। गुस्से वाला मुंह बनाओगे बच्चों को, आप कार्टून की एक्टिंग करोगे, हंसोगे, हंसाओगे तो बच्चा भी हंसेगा। तो संकेतिक भाषा के माध्यम से, सांकेतिक भाषा के रूप से आप किसी को भी हंसा सकते हैं और आप उसको रुला सकते हैं और आप उसको समझा भी सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी। भारत की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। सबसे पहले बात राष्ट्रीय भाषा क्या होती है। राष्ट्रीय भाषा वो भाषा होती है जो पूरे राष्ट्र के लोग बोलते हैं, जो अधिकतर राज्यों में बोली जाती है। ठीक है, तो भारत में जो राष्ट्रीय भाषा है वो है हिंदी। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा वो भाषा है जो विश्व के अधिकतर देशों में बोली जाती है। हम ये नहीं कहेंगे सब देशों में बोली जाती है, हम ये कहेंगे अधिकतर देशों में बोली जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा वो भाषा है जो विश्व के अधिकतर देशों में बोली जाती है, और वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है, वो है इंग्लिश, जिसमें हमें बहुत मेहनत करनी है। मुझे तो कम करनी है बेटा, आप लोगों को ज़्यादा करनी है। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग में आपको मुझसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, मेरी ओके ओके। ठीक है, सो अंतर्राष्ट्रीय भाषा में अगर आपको अच्छा होना है तो आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, आपको इंग्लिश सुनना भी पड़ेगा, और आपको इंग्लिश लिखना है, और वो काफ़ी टीचर बहुत लिखवाते हैं आपको, है ना, इतना सारा लिखवाते हैं कि नोटबुक्स भर जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंग्लिश बोल नहीं सकते और हम इंग्लिश सुन नहीं सकते, लेकिन हमें मस्ट है, इंग्लिश आज की नीड है, आजकल की मांग है। दूसरा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर। भारत में सितंबर के माह में 14 तारीख को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। सो इस दिन हिंदी जो भाषा है उसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला था, इसीलिए हम इसको मनाते हैं। और विद्यालयों में बहुत सारे समारोह होते हैं, कहीं कहीं तो हिंदी सप्ताह भी मनाया जाता है, पूरा वीक मनाते हैं, हिंदी सप्ताह मनाते हैं, और जब 14 सितंबर आता है उस दिन प्राइज सेरेमनी होती है। ठीक है, इनाम दिए जाते हैं, और पूरे हफ्ते हिंदी भाषा को आगे पहुंचाने के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें कविता लेखन, निबंध लेखन, ठीक है, इसमें स्लोगन राइटिंग, मुहावरे, कितना कुछ भी इसमें हो सकता है। लिपि, लिपि क्या होता है, भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। अभी जो मैंने लिखा है इतना सारा, ये लिखने के लिए जो मैंने चिन्ह लिए हैं, मुझे ख लिखना था और मैंने ख के लिए चिन्ह लिया है, मुझे र लिखना था, मैंने र के लिए चिन्ह लिया है। तो भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों को हम यूज करते हैं, चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने यहाँ नहीं लिखी है, हम आपको बताते हैं। केवल हिंदी भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है, हिंदी भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है, और इसका जवाब किसी के पास मुझे आज तक नहीं मिला। क्यों, मैंने इतने सारे लोगों से पूछा हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा क्यों है, उसका जवाब नहीं मिला। मैं आपको बताती हूँ, सभी भाषाओं में से केवल हिंदी भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि इसका बोलने का और लिखने का चिन्ह सेम है। वैज्ञानिक भाषा हिंदी इसीलिए है क्योंकि इसका बोलना और इसका लिखना में समानता है, इसीलिए हमारी हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। नेक्स्ट आपका हमें ये बताना है कि भाषाएं क्या है, उनकी लिपि क्या है। तो
संस्कृत, हिंदी और गुजराती की लिपि है देवनागरी। इन भाषाओं में जो हम लिखते हैं वो जो लिखने वाले चिन्ह हैं वो है देवनागरी। अंग्रेजी रोमन, अब आपने एबीसी लिखा, आप जो एबीसी को यूज करते हो ये आपके रोमन है, रोमन लेटर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। पंजाबी गुरुमुखी, तो हम पंजाबी पढ़ नहीं सकते क्योंकि जो पंजाबी लिखी गई है वो देवनागरी में नहीं लिखी है, हम लोग देवनागरी को पढ़ सकते हैं, हम पंजाबी नहीं पढ़ सकते क्योंकि जो पंजाबी को लिखा है वो गुरुमुखी, गुरुमुखी लिपि से लिखा है और गुरुमुखी को हम नहीं जानते, हम तो देवनागरी को जानते हैं। और हम गुजराती भी पढ़ पाएंगे क्योंकि गुजराती देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मैंने आज तक पढ़ी नहीं है पर यहाँ पर अगर कहते हैं कि गुजराती देवनागरी में लिखी जाती है तो हम गुजराती पढ़ सकते हैं लेकिन हम पंजाबी नहीं पढ़ सकते क्योंकि इसलिए गुरुमुखी में लिखी गई है। उर्दू, फारसी, ये तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, उर्दू फारसी बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हम। और एक ही ऐसी लिपि है जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है वो है फारसी। एक ही ऐसी लिपि है जिसको हम राइट से लिखना शुरू करते हैं लेफ्ट की ओर, वरना आप इंग्लिश लिखते हो तो लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ लिखते हो, आप हिंदी लिखते हो आप लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ लिखते हो, लेकिन एक ऐसी भाषा है, ऐसी लिपि है जिसको हम राइट से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट की ओर। नेक्स्ट, व्याकरण क्या होता है स्टूडेंट्स, व्याकरण क्या होता है, वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण वह शास्त्र है, वह माध्यम है जो हमें भाषा का शुद्ध रूप के बारे में बताता है। अगर व्याकरण ना हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि भाषा सही है या गलत है। तो जो बात हमें इस बात का एहसास कराए कि ये भाषा सही है ये भाषा गलत है, वो शास्त्र जो है, वो माध्यम जो है, वो है व्याकरण। देखिए, रानी हंसता है, रानी हंसता है, क्या आपको सही लग रहा है? नहीं, ये गलत है। रानी हंसती है ये सही है, तो ये व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य है, ये व्याकरण की दृष्टि से गलत वाक्य है। पिताजी नहाती थी, कैसे? पिताजी नहाती थी, कैसे? थी स्त्रीलिंग है, नहाती स्त्रीलिंग है, लेकिन पिताजी तो पुल्लिंग है, लेकिन हमें किसने बताया पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, एकवचन होता है, बहुवचन होता है, हमें किसने बताया? ये हमें व्याकरण से पता चलता है, हमें ये व्याकरण से पता चलता है कि लिंग के हिसाब से क्रिया का चयन करो, पुल्लिंग और लिंग के हिसाब से भी क्रिया का चयन करना चाहिए और वचन के हिसाब से क्रिया का चयन करो। ये हमें कौन सिखाता है? ये हमें व्याकरण सिखाता है। अब देखो, पिताजी नहाते थे तो ये वाक्य सही हो जाएगा। आप ऐसे माताजी नहाती थी, या तो आप इसका लिंग बदलो, माताजी नहाती थी फिर सही हो जाएगा, या क्रिया बदलो पिताजी नहाते थे। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा का शुद्ध रूप के बारे में जानकारी देता है। नाउ नेक्स्ट, थोड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास टीवी, जो कि अब बहुत कम है, अब टीवी का जगह एलईडी ले लिया है ना, सबके घर में आजकल एलईडी, पहले टीवी हुआ करते थे बड़े बड़े, बेलटेक कंपनी, सोनी की कंपनी, शार्क की कंपनी, आपने नाम भी सुने होंगे पुरानी कंपनी से, आजकल तो सब लोगों के यहाँ पे सोनी और पैनासोनिक, शायद सोनी और पैनासोनिक के एलईडी हैं बड़े बड़े। तो टीवी या एलईडी भाषा का कौन सा माध्यम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, फिर हम अपने जो भाव है उसको समझ सकते हैं। अब टीवी में एक पिक्चर आ रही तो हम देख कर समझ रहे हैं कि इस पिक्चर की स्टोरी क्या है, हम वो देख के समझ रहे हैं। अब मान लो उस पिक्चर की आवाज़ खराब हो जाए, ठीक है, आपकी टीवी का आवाज़ खराब हो जाए, आपको मजा नहीं आया क्योंकि आपको सुनने को नहीं मिल रहा। सो टीवी या एलईडी एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम भाषा का देखना और भाषा का सुनना, इन रूपों का प्रयोग कर रहे हैं और फिर हम उस भावनाओं को, उस विचारों को समझ रहे हैं। लेकिन बेटा इससे भी, ये तो कहते हैं ना बाप है बाप, ये इससे का भी बाप है, माई बाप नहीं है, माई बाप कहते हैं ना, ये तो बाप है, मतलब इसमें तो दो तीन भाषा के दो रूप आए, लेकिन ये इसका भी बड़ा बाप हो गया, ये इससे बड़ा बाप हो, कैसे? फोन। आजकल के लोग, चाहे मैं चाहे आप, फोन के बगैर हमारी जिंदगी कट नहीं सकती, मेरी तो कट जाती है, हमें कोई समस्या भी नहीं है, पर मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि अगर उनका फोन उनके पास नहीं तो उनको बेचैनी होने लगती है, ठीक है, उनको स्ट्रेस होने लगता है, आज मेरा क्या होगा। तो ये जो फोन है, इसीलिए आजकल सबका वाहेगुरु बन चुका है फोन। अब ये जो फोन है इसमें हम लिख भी सकते हैं, आपके फोन में जो व्हाट्सएप
हो, फिर आप फोन में बातें कर रहे हो मम्मी पापा से, किससे फोन में बात, उसके मतलब आप बोलना भारत का फोन का मौखिक रूप यूज कर रहे हैं और फिर सुन रहे हैं, आपको कोई फोन आ रहा है तो आप उसको सुनते भी हो और वहाँ पे देखना भी होता है वीडियो कॉलिंग। आजकल वीडियो कॉलिंग होती है, वीडियो चैटिंग होती है, मतलब हम अपने दूर किसी रिश्तेदार को फोन के माध्यम से देख सकते हैं और उनसे हम बातें कर सकते हैं। तो ये फोन के जरिए आप लिखित रूप, मौखिक रूप, सुनना और देखना, इन सब रूपों के जरिए हम भावों को पहुंचा भी सकते हैं किसी अन्य व्यक्ति की तरफ और उस व्यक्ति के भावों और विचारों को हम जान भी सकते हैं। क्योंकि आज ये थोड़े से ये शायद ये 100-150 शब्द भी ना होंगे, मेरे हिसाब से शायद 100-150 शब्द भी ना होंगे, लेकिन इसमें आज हमने जो समझा वो बहुत ज़्यादा सब सूचना है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है हमारे लिए, जो हमें समझना है, जो हमें याद करना है और ये आपको जिंदगी भर के लिए याद रखिए इस चीज़ को, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा और परफेक्ट होगी। थैंक यू।